एक लफ्ज में कहूँ तो हमारे पास हमारा नारा है, नारा है तकबीर अल्लाह अकबर। जमीन पर आ जाइए, मुसलमान मुसलमान करते हैं लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों के ऊपर उफ तक नहीं बोल पाते हैं। अगर आप तादाद के हिसाब से पूछें तो जहरी बात है इंडिया की आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी आर्मी 9th नंबर पे है और इंडियन आर्मी 4th नंबर पे है। एक अल्लाह ताला की तरफ से पावर है कि हम मुसलमान है, हमारे हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए, 500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। जमीन पर आ जाइए, खाने को रोटी नहीं है आपके यहाँ, जमीन पर आ जाइए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी वर्सेस इंडियन आर्मी, अगर ये सवाल दोनों देशों की पब्लिक से पूछा जाए तो दोनों देशों की पब्लिक अपने ही देश की आर्मी को सुपीरियर बताएगी। इंडियन आर्मी का कंपेयर पाकिस्तानी आर्मी से किया गया और वो भी पाकिस्तान में। इनके जवाब आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि पाकिस्तानी हर चीज़ में धर्म को क्यों ले आता है। हालांकि इनके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया से 4 जंगें जीती हुई हैं, हर जगह मुस्लिम कार्ड ले आते हैं। इनके मुताबिक अगर अब कोई जंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होती है तो इस जंग में भी पाकिस्तान की जीत होगी। इनके मुताबिक मुस्लिम धर्म के लोग किसी भी जंग को जीत सकते हैं, लेकिन इन्हें कौन बताए इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है। इंडियन आर्मी दुनिया की 4th सबसे बड़ी आर्मी कहलाती है और पाकिस्तान आर्मी का नंबर दुनिया में 9वां नंबर में आता है। आज की जंगें टेक्नोलॉजी के आधार पर लड़ी जाती हैं और पाकिस्तान में इसी चीज़ की कमी है। पाकिस्तान अपनी आर्मी के लिए सारे हथियार चाइना से खरीदता है और आपको पता ही है कि चाइना के हथियार किस लेवल के होते हैं। और इधर इंडिया ने अपने देश में ही हथियार बनाना शुरू कर दिया है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। आर्मेनिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका के कई देश हिंदुस्तान से हथियार खरीद रहे हैं। इंडिया अब हथियारों के मामले में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ रहा है। जिस देश की आर्मी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन सिस्टम होंगे वही आगे की जंगें जीतेगा। बातों से जंगें नहीं जीती जाती हैं और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आसमानी किताबों का सहारा लिया जाता है। पाकिस्तानी यूट्यूबर को तो पता ही है मगर पाकिस्तानी पब्लिक को कौन समझाए। आगे आप भी पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन देखिए हिंदुस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बारे में और मजे लीजिए इनके जवाबों के और इनके ज्ञान के बारे में कमेंट्स में लिखकर ये भी बता दीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि ये सब कहां से पढ़ाई लिखाई करके आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तानी की कौन सी आर्मी आपके नज़दीक इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है, हर लिहाज से आपको क्या लगता है? और इन वो बात करें जो टैक्टिक्स और फैक्ट्स के लिहाज से हो। टैक्ट्स और फैक्ट्स के लिहाज से बात करें तो हम किसी भी एक पॉइंट पे किसी आर्मी को स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं कह सकते। इसके लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स पे सोचना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा बेहतर है तो उनके वसाइल उनके पास हमसे ज़्यादा हैं, उनके रिसोर्सेज, उनके वेपन्स, उनके पास जो जेट्स हैं, उनके पास जो टैंक्स हैं, उनके पास जो गन्स हैं वो हमसे क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास हमारे क्वालिटी का क्या? क्वांटिटी का मतलब है कि तादाद, क्वांटिटी कि उनके पास तादाद में ज्यादा है, लेकिन जो हमारे पास चीज है वो उनके पास नहीं है। हमारे पास क्या? हमारे पास अगर मैं एक चीज एक लफ्ज में कहूँ तो हमारे पास हमारा नारा है तकबीर अल्लाहु अकबर, हमारा जज्बा, हमारा ट्रू पैशन एंड हमारा लाइव स्पिरिट। इसीलिए आपको आज एक इशारा दिया गया है कि POK विल मे नो लॉन्गर रिमेन योर्स। अगर आप इसी दर्जे हरात पे आप चलते गए, आप किसी हालात को आपने बदली नहीं किया तो यू विल हैव टू पार्ट विद POK। तो 9th पॉइंट पर है पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री, तो जो इंडियन मिलिट्री है वो 4th पॉइंट पर। इसके बारे में आपको क्या, आप कह रहे हैं कि हम मतलब हमारे पास जो क्वालिटी अच्छी है, हमारे पास जज्बा है, इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? इंडियन आर्मी 4th पॉइंट पे है और पाकिस्तान आर्मी 9th पॉइंट पे है। अब ये कैटेगरी किस लिहाज से बनाई गई है, ये किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये कैटेगराइज किया गया है कि पाकिस्तानी आर्मी 9th नंबर पे है और इंडियन आर्मी 4th नंबर पे है? उसमें हो सकता है कि उनकी एक्सरसाइजेज, उनके जो बाहर के जो इंटरनेशनल रिलेशन चाइना के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो उनकी एक्सरसाइजेज हैं, जो मशकें करते हैं वो, उनकी बेस पे या उनके पास जितने वसाइल हैं रिलेटेड टू वेपन्स, रिलेटेड टू के आर्म फोर्सेस के हवाले से उनके पास वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इस हवाले से उनको जो कैटेगराइज किया गया है उस लिहाज से वो 4th नंबर पे हैं। लिहाजा इसका फैसला तब भी हो सकता है असल में जो हम रियलिटी की बात करें कि जब अगर कोई जंग का सीन हो, कोई मतलब ऐसा सीन हो जिसमें दो फोर्सेस आमने सामने हों, तो फिर उस लिहाज से अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो फिर हमारा लाइव जज्बा और हमारा ट्रू पैशन सामने आएगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, वादे पर हिंदुस्तानी हमेशा कायम रहता है। हाँ, हिंदुस्तानी हमेशा कायम रहता है। अब एक और वादा कर रहे हैं कि 50 साल आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश अभी आपको दिखाई दे रहा है। GD बख्शी ने कहा कि अब आप पाकिस्तानियों को बांग्लादेश जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है, वैसे ही POK के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी। ये भी एक और वादा है। पता कि आप इसके लिए कहना चाह रहे हैं कि हम जज्बे के लिहाज से क्वांटिटी, नो डाउट कि हमारे पास रिसोर्सेज कम नहीं है,
नो डाउट कि हम उसको शो ऑफ नहीं करते, लेकिन ये भी नहीं है कि हमने एटमी ताकत 1998 में हम एटमी ताकत बने हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ना कुछ है जो इंडिया की बुरी नजर हम पे नहीं है। बार बार आपको एक छोटा सा झटका दिया जाता है कि अभी भी छोड़ दीजिए। उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2-3 महीने आप चुप रहे, फिर पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, कोई 1 साल चुप रहे। देखिए बेसिकली ये जो रैंकिंग की गई है इसका कोई इंपैक्ट जो पाकिस्तानी आर्मी है उस पर नहीं पड़ता। जो मोटो है पाकिस्तान आर्मी का वो बेसिकली ईमान, तकवा एंड जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुसलमानों की जो तरीक है वो देख लें, गज़वाए बदर हो, गज़वाए उहद हो, ठीक है, मुसलमानों की तादाद हत्ता के कम थी, मुसलमानों के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमानी कुव्वत के साथ मुकाबला किया दुश्मनों का। तीन जंगें हो चुकी हैं, 1900 जब कश्मीर की जंग लड़ी गई फर्स्ट पे, जैसे पाकिस्तान बढ़ा तो इंडिया ने भारत ने जंग दी, वो भी जंग का दिफा पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह किया। सर मैं जो इंटरनेशनल सर्वे हैं उनके मुताबिक ये कहा जाता है, क्योंकि अक्सर बात वो होती है जो थर्ड पार्टी करती है या इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हमेशा वॉर स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने हमेशा वॉर स्टार्ट किया। जी बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरनेशनल सर्वे कह रहा है आपको, इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक जब भी वॉर स्टार्ट हुए, क्योंकि जब 1965 की वॉर हुई वो भी उस नतीजे में हुई जब हमारा मिशन था जो जिब्राल्टर, शायद आपने उसके बारे में पढ़ा। आपको जो ये सवाल है ना, इसके लिए आपको बरसगीर की जो सबकॉन्टिनेंट की तारीख है ना उसको पढ़ना पड़ेगा। जो मुसलमान है ना, उन्होंने अलग मुल्क इसलिए बनाया, इसलिए था कि वो एक दिफा के लिए अलग प्रोटेक्टिव जगह बनाए जहाँ पर मुसलमान अपने जो उनके नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकें। बेसिकली इस कंट्री के बनने का मकसद ये, तो हमारा हरगज ये मकसद नहीं कि हम कोई इधर बैठे मुल्क लें उससे हम पूरी दुनिया को फतह करें, ऐसा नहीं था। इस मुल्क का नहीं था कि मुसलमानों को वो जो ऑपरेशन जिब्राल्टर जिस कमांड वो कश्मीर में हुआ था, और वो जो ऑपरेशन हुआ था उसके रिएक्शन में पहली कश्मीर वार हुई, आपकी ये बात ठीक है, लेकिन तब जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको हमारी एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत भी थी। अगर हम हमारी मिलिट्री तब उनके साथ खड़ी ना होती तो आज हम भी उसी तरह का शिकार होते जैसे आज तालिबान अफगानिस्तान में है। हमारे यहाँ भी मुल्लाओं और ऐसे लोगों की अजारादारी होती, हमारे यहाँ इतना उनका स्कोप होता, पढ़े लिखे तबके को मौका ना मिलता, या कुछ ऐसे लोग आते जिनके बस वो कह लेना अपने अपना आप होता, वो चीज़ दिखाने वाले होते। तो ये चीज़ इसलिए आप कह लें कि इंटरलिंक नहीं करती, हमेशा पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंस क्लास किया। पाकिस्तान के दिफा का मोटिव यह रहा कि हम तो अपने दिफा के लिए फौज बनाइए। और जो आपने बात कर रहे थे कि इंडिया की बड़ी मिलिट्री है और कुछ पाकिस्तान की छोटी मिलिट्री, जो सर्वे होते हैं वो मुख्तलिफ आते रहते हैं। ये भी सर्वे आया था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एक दौर में दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंसी थी। असल भाई मेरा कहने का मकसद यह है कि जो अब पूरी वर्ल्ड है, आप कह रहे हैं कि मुसलमान जो जज्बे से लड़ते हैं पूरी दुनिया में, आप मुसलमान पिस रहे हैं मुसलमानों पर, जो मतलब मुसलमानों को हार हो रही है, आप इसको क्या समझे कि क्या आप मुसलमानों में जज्बा नहीं है? यही मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा था कि हमारे जो अब इन्फ्लुएंस है ना, हमारी एजुकेशन में, हमारी मिलिट्री में, हमारी पब्लिक में एक इन्फ्लुएंस बनाया गया, हमको दिखाया गया कि यूरोप बड़ी चीज़ है। वो कहते हैं ना, एक इलामा इकबाल शेर का मफहूम कुछ इस तरह है कि ये जो है ना यूरोप, ये चमकता हुआ चेहरा है, लेकिन आप उसके अंदर खोलेंगे ना, इसके अंदर खोलेंगे तो अंदर चंगेजी निकलेगी इसमें से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।